तो so गाइज़ अगर आप लोग को थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले हे भूलेज दिस इज हिमांशु एंड वेलकम बैक टू दी चैनल आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं दिल्ली एनसीआर से उत्तराखंड शिफ्ट हो चुका था तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम में कि यार भाई उत्तराखंड में ट्रैवल का क्या सीन है और गवर्नमेंट की क्या नई ना, गाइडलाइंस हैं ये सारे मैसेजेस आ रहे थे और कहाँ जाना है क्या बेटर है क्या सेफ है तो मुझे लगा कि एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें दिए जाएँ सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को बता दूँ जो गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन है उसमें सबसे पहले जो दो हज़ार की कैपिंग थी पहले कि दो हज़ार टूरिस्ट ही इंट्री कर सकते हैं वो हटा दी गई है अभी कितने मर्ज़ी भी टूरिस्ट इंट्री कर सकते हैं और दूसरी बात यह है कि आपको अपने साथ एक कोविड uh, नेगेटिव का uh, किसी ऑथराइज़ लैब से सर्टिफिकेट लेके चलना है और तीसरी बात यह है कि कई सारे लोग पूछ रहे थे कि यार अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास तो कैसे होएगा और वहाँ पे क्वारंटाइन करेंगे या नहीं करेंगे सो so गाइज़ ये है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आप ट्रैवल कर सकते हो उत्तराखंड में बट आपके पास सात दिन की बुकिंग होनी चाहिए होटल की जिस होटल पर आप रुके हुए हो और आपको सात दिन तक होटल के अंदर ही रहना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशनल uh, क्वारंटाइन ये कर रहे हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है बट अगर आपके पास अगेन होटल की uh, सात दिन की बुकिंग है तो आप होटल में क्वारंटीन हो सकते हो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरी चीज़ है कि कई लोग ये पूछ रहे थे कि यार आ, अगर मैं जिस सिटी से आ रहा हूँ वो बहुत एक हाई लोड कोविड वाला एरिया है तो क्या मेरी एंट्री हो जाएगी जी हाँ दोस्तों आपकी एंट्री हो सकती है बस आपको ये गाइडलाइन जो मैंने दो बताई थी आपको वो फॉलो करनी है या तो आप अपना कोविड टेस्ट करा के लेके आइए वो भी बहत्तर घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए वो कोविड टेस्ट इंट्री के टाइम से और दूसरा अगर कोविड टेस्ट नहीं करा के आ रहे हैं तो आपको सात दिन की बुकिंग दिखानी पड़ेगी जहाँ पे आपको सात दिन तक होटल के अंदर रहना पड़ेगा तो ये मोटे मोटे ये क्वेश्चन थे और बाकी बाकी मैं आपको बताता हूँ अभी मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी एक वीडियो बना लीजिए रात का टाइम है अभी अराउंड ग्यारह बज रहे हैं देख लो सो so, मैंने लिखा हुआ है तो मैं पढ़ के बता देता हूँ सो गाइज़ एक और क्वेश्चन आया था कि अगर मैं एयर ट्रेवल के थ्रू उत्तराखंड में एंट्री करता हूँ तो क्या मुझे क्वारंटाइन होना पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल uh, क्वारंटाइन होना पड़ेगा सो so, सोगाइज़ इसका भी आंसर सेम ही है अगर आप किसी भी प्रकार के ट्रैवल करके उत्तराखंड के अंदर एंट्री कर रहे हो तो आपको अगर आपके पास सात दिन की बुकिंग है तो वो होटल में आपको क्वारंटाइन कर सकते हैं सो भाई इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि अगर मैं उत्तराखंड ट्रैवल करना चाहता हूँ तो क्या मुझे पास लेने की जरूरत है जी हाँ दोस्तों अगर आप उत्तराखंड आ रहे हो तो आपको अपने आपको रजिस्टर कराना होता है एक साइट पे जिसका नाम है स्मार्ट सिटी देहरादून यू के डॉट इन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन uh, में आप जाके देख लेना वहाँ पे आपको अपने आपको रजिस्टर कराना पड़ता है उसके बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हैं उत्तराखंड की तरफ सो so गाइस ये इंपॉर्टेंट इसलिए है रजिस्टर इसलिए करा रहे हैं बिकॉज उत्तराखंड बहुत बड़ा एरिया है यार वहाँ पे बहुत ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल है कि कौन बंदा गया था इन केस इन्फेक्टेड होता है तो एटलीस्ट ये ट्रैकिंग रहेगी कि ये बंदा इस तारीख को यहाँ आया था इतने दिन निकल था तो उसके लिए ये ट्रैकिंग की जा रही है मेरे हिसाब से सो so गाइज़ ये तो हो गए सारे क्वेश्चन और उनके आंसर्स जो आपने मेरे से इंस्टाग्राम में पूछे थे इसके अलावा एक कॉमन क्वेश्चन आप लोगों का था कि यार सात दिन तक किसी होटल में तो हम बोर हो जाएंगे साला करेंगे क्या अगर हमारे पास कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट नहीं है सो so, जिस तो उनके लिए मेरा एक सोलूशन है कि आप एक काम कीजिए होटल को बुक मत कीजिए कोई एक गेस्ट हाउस बुक कर लीजिए या फिर कोई एक कॉटेज बुक कर लीजिए उत्तराखंड की वादियों में जहाँ पे आपको खुद खाना बनाना पड़े और यू you नो know, आप सात दिन तक आपको टाइम मिले कि आप कुछ अपना जो भी आपका अच्छा लगता है जो पैशन है आपका वो फॉलो कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल आपको गाना गाना अच्छा लगता है तो सिंगिंग कर सकते हो कुकिंग कर सकते हो या व्लॉगिंग कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो सात दिन तक आपके पास इतना टाइम होगा कि आप वादियों में हो उत्तराखंड की और यू नो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप इसे ले सकते हो सो so गाइज़ ये तो बात हो गई कि आपको कैसे आना है गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है नहीं और अपने क्वारंटीन टाइम को आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो अब बात कर लेते हैं कि यार अगर आप आ रहे हो यहाँ और आपने वो क्वारंटीन टाइम पूरा कर लिया तो उसके बाद आप कहाँ जा सकते हो सो so गाइज़ मैंने एक लिस्ट सोची है जो अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हो कहीं से भी आ रहे हो तो जो काडो गाम है यानी कि हल्द्वानी वाला एरिया है वो एक एंट्री एरिया माना जाता है गुमाऊँ रीजन के लिए तो अगर आप इधर साइड आ रहे हो तो यहाँ से बहुत सारी जगहें हैं जो नज़दीक हैं जहाँ आप घूम सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल हल्द्वानी से भीमताल नज़दीक है नैनीताल नज़दीक है ये सारी वीकेंड डेस्टिनेशन हो सकती हैं अच्छी और इवन अभी मैंने रिसेंटली एक ट्रैक एक्सप्लोर किया है यहाँ पे छोटा क्लास करके एक ट्रैक है आप वहाँ जा सकते हो बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगा एक दिन का ट्रैक है आप जाके वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके आ सकते हो इवन तीन चार घंटे का टाइम आपको लगेगा उसके अलावा अगर आप पहाड़ों की तरफ नहीं जाना चाहते हो तो आप नीचे जिम कॉर्बेट की तरफ जा सकते हो रामनगर की तरफ जा सकते हो वो भी एक अच्छी लोकेशन है जहाँ पर आप रह सकते हो और बहुत सारा नेचर का आनंद उठा सकते हो बीच में एक वाटरफॉल भी है अगर वो खुला हो तो आप वहाँ भी जा सकते हो सो so, इसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है चोपता चोपता एक बहुत ही प्यारी जगह है जहाँ पे अमेजिंग आपको वेदर देखने को मिलेगा और वहाँ बहुत सारे वेंडर्स हैं जो कैंपिंग प्रोवाइड करते हैं स्विस कैंप प्रोवाइड करते हैं तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो और वहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है अट्रैक्शन पॉइंट वो है तुंगनाथ टेम्पल जो कि वर्ल्ड का हाइस्ट शिवा टेम्पल है और अगर आपको ट्रैकिंग के शौकीन हो तो आप चंदशिला का ट्रैक भी वहाँ से कर सकते हो जो कि अराउंड दो तीन किलोमीटर का ट्रैक है काफ़ी अच्छा अमेजिंग व्यूज़ हैं थोड़ी सी चढ़ाई है बट काफ़ी मज़ेदार ट्रैक है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा व्लॉग देख सकते हो मैंने वहाँ पर पूरा व्लॉग बनाया हुआ है डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके अलावा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर हम आते हैं वो है आपकी पंतवारी विलेज सो तो गाइस ये एक विलेज है उत्तराखंड में जो मसूरी के बाद पड़ता है जो इस विलेज की जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो है नाग तिब्बा ट्रैक तो so, एक छोटा सा विलेज है आप जाके यहाँ रह सकते हो नाग तिब्बत ट्रैक अगर पूरा नहीं भी करते हो तो आप उसके बेस कैंप तक जा सकते हो पे कैंपिंग कर सकते हो बहुत ही अमेजिंग 360 व्यू है और अमेजिंग वाइब्स है नेचर की आप जाके यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो वहाँ ज़्यादा भीड़ भड़का भी नहीं होती आराम से अपना चिल मार के रह सकते हो सो so, गाइस इसके बाद जो आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन सजेस्ट करूँगा उसके नाम से ही पता लगता है कि कितनी अमेजिंग जगह है वैली ऑफ़ फ्लावर्स जी हाँ दोस्तों ये पड़ती है आपकी चमोली साइड चमोली से सा आगे बद्रीनाथ गदारनाथ वाली बद्रीनाथ वाली रोड में पड़ती है और वहाँ से आपको बस थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी वैली ऑफ़ फ्लॉर पहुँचने के लिए तो पहले जो बेस कैंप है गंगरिया है गंगरिया गांव से आपको थोड़ा सा और आगे चल के वैली ऑफ़ फ्लॉर्स आप जा सकते हो सो गाइज इन सारे प्लेसेस की अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए मैं आपको अपने सारे व्लॉग्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं पर्सनली इन सारी जगहों में गया हुआ हूँ तो मैंने व्लॉगिंग करके सारा आपको एक्सपीरियंस शेयर करा हुआ है ऑलरेडी अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप पढ़ने के शौकीन हो तो अपने ब्लॉग्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इन जगहों का सो so गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेलाइकन के साथ और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में दो चीज नहीं है आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि क्या चीज नहीं है और वो आपको कैसी लगी एक तो मेरे से रिलेटेड है एक इस फ्रेम से रिलेटेड है जल्दी कॉमेंट करके बताइए नहीं ये नहीं है